हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज के वीडियो में मैं आपको एक BMW M4 दिखाने वाला हूँ जिसके ऊपर अभी फ़िलहाल रैप का काम शुरू है। सो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, ये है रेड कलर की BMW M4 एंड देन इसके ऊपर होने वाला है ग्रे कलर का रैप, नार्डो ग्रे कलर का रैप होने वाला है। देन अभी हम मिलते हैं विनोद जी से जो यहाँ पे इस गाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं। इन्होंने बेसिकली जो गाड़ी के रैप होते हैं उसके ऊपर सर्टिफाइड कोर्स किया है। बहुत कम लोग ये कोर्स करते हैं और बहुत ही अच्छी जगह से इन्होंने ये कोर्स किया है। बहुत मतलब जो नासिक है इसके अंदर ये एक नंबर का रैप करते हैं। सो इनसे हम जान लेते हैं कि इनको कितना एक्सपीरियंस है। सो आपको इस काम में कितने साल का एक्सपीरियंस है? वैसे तो 10 से 12 साल हो गए। 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। और आप सर्टिफाइड कब हुए? सर्टिफाइड 2015 में हुए। 2015 में इनको रैप का जो है वो सर्टिफिकेट मिला है, ये सर्टिफाइड हुए हैं। देन अभी हम जानते हैं कि रैप करते समय क्या दिक्कतें आती है, आपको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं रैप करते समय? रैप करते टाइम पूरे जो है जैसे वो क्लियर करने चाहिए तो ही रैप ज़्यादा दिन तक उसका लाइफ रहता है, या फिर मतलब कुछ लोगों टिपिकल पार्ट जो है वो रिमूव करने पड़ते हैं और उसी के बाद में ही रैप का जो फिनिशिंग आएगा वो अच्छा है। और कुछ लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं कि रैप से गाड़ी का कलर ख़राब होता है, तो वो क्या चीज़ रहती है? नहीं, बेसिकली रैप जो है वो पेंट प्रोटेक्शन का काम करता है और इसमें कैसा है कि आपका ओरिजिनल जो पेंट है उसे विदाउट स्क्रैच रखता है मैक्सिमम। सो जो रैप रहता है ये एक पेंट प्रोटेक्शन का भी काम करता है जिससे आपका जो पेंट रहता है गाड़ी का वो सही सलामत रहता है और आप दूसरे कलर भी आपके गाड़ी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से हमने इनका एक्सपीरियंस पूछा। देन अभी हम मिलते हैं करण भाई से जो कि यहाँ पे इनको हेल्प कर रहे हैं। सो इनको भी हम पूछते हैं कि इनका कितना एक्सपीरियंस है इस काम के अंदर। मुझे 2 साल हो गए इनके साथ काम करते। सो जो विनोद भाई है इनके साथ ही काम करते हैं, इनको 2 साल हुए हैं और दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी जो है ये मतलब बहुत ही स्लोली काम कर रहे हैं पर परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। 3-4 घंटे से इन्होंने सिर्फ इतना काम किया है बट बहुत ही मतलब परफेक्शन से काम हुआ है। देन अभी हम पूरी की पूरी गाड़ी देखते हैं। सो ये है पूरी की पूरी गाड़ी। अगर मैं आपको गाड़ी की लुक्स दिखाऊँ तो गाड़ी के अंदर ड्यूल एग्जॉस्ट है। देन जो पावर है वो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। इस गाड़ी का आपको मैं इंजन दिखाऊंगा क्योंकि इसका जो इंजन है वो भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। बेसिकली ये जो गाड़ी है ये 4 सीटर है। यहाँ पे आपको पीछे जाने के लिए रास्ता आपको मिलेगा। अब ये डोर भी नहीं खोल सकता क्योंकि यहाँ पे जो डोर हैंडल रहता है वो ही निकाल दिया है। सो रैप आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने परफेक्शन से लगा हुआ है। आपको इसके ऊपर कोई भी मतलब बबल्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रैप है। देन यहाँ पे M4 की बैचिंग क्योंकि ये BMW M4 है एंड यहाँ पे आपको जो है ये एयर के वेंट्स भी मिलते हैं क्योंकि इस गाड़ी की जो रफ्तार रहती है उसको कट करने के लिए कुछ एयर वेंट्स लगाना ज़रूरी रहता है। सो गाड़ी की सामने की लुक भी एक बार आप देख लीजिए। ये है गाड़ी की फ्रंट लुक। नासिक के अंदर ये फर्स्ट M4 है और इसके ऊपर अभी रैप हो रहा है। ये रेड कलर में आई थी और इसके ऊपर अभी जो है ये ग्रे कलर का रैप हो रहा है। एक बार मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ। सो ये है इस गाड़ी का इंजन। यहाँ पे आपको बोनट के ऊपर भी हाइड्रोलिक्स मिलता है जिसकी वजह से अपने आप से ऊपर लिफ्ट होता है। देन इंजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक मैसिव सा इंजन मिलता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंजन है। सो बेसिकली ये जो M4 है ये M सीरीज़ के अंदर आती है, ऑफिशियल M सीरीज़ के अंदर आती है और ये एक परफॉर्मेंस कार है। सो आपको थोड़े से इसके अंदर स्पोर्ट्स कार जैसे भी फीचर्स मिलेंगे। इसका जो आवाज़ है वो भी काफ़ी मतलब एक स्पोर्ट्स कार जैसे आता है। देन यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हैं थोड़ा सा कार्बन फाइबर का आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत ही मतलब एक तगड़ी कार है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। देन ये है इसकी दूसरी साइड। सो यहाँ पे भी थोड़ा सा अभी रैप का काम हुआ है। सो इसको भी आप देख सकते हैं। सो ये है इस गाड़ी के अलॉयज़, ये 19 इंचेस के अलॉयज़ है। आप इसके एक बार प्रोफाइल देख लीजिए। जो डिस्क है इसके अंदर की उसकी साइज़ एक बार आप देख लीजिए। इसके अंदर की जो डिस्क है वो बहुत ही बड़ी है। देन यहाँ का भी आप रैप देख सकते हैं, जो क्वालिटी है रैप की वो आप देख सकते हैं, जो फिनिशिंग है वो आप एक बार देख सकते हैं। देन इसका जो इंटीरियर है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं आपको जो पूरा वीडियो बनने वाला है उसके अंदर पूरा इंटीरियर दिखाई दूंगा बट अभी के लिए भी आप ये इंटीरियर देख सकते हैं। इंटीरियर पूरा ही स्टॉक रहने वाला है बट जो बाहर का रैप है वो पूरा ही चेंज होने वाला है, जो कलर है वो पूरा ही चेंज होने वाला है। सो यहाँ पे आप फिनिशिंग देख सकते हैं, ये जस्ट अभी अभी लगा हुआ है बट फिनिशिंग आप पूरी देख सकते हैं। जो काम है वो बहुत ही परफेक्शन के साथ हो रहा है और ये है इसकी रेयर साइड। सो रेयर साइड पर आप देख सकते हैं।
बूट भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो ये है इस गाड़ी की बूट, बूट भी एक बार आप देख सकते हैं। आपको एक परफॉर्मेंस कार के अंदर इतनी बड़ी बूट मिलती है, सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो ये थी BMW M4। आपने इसका अभी रैप का काम देखा, अभी ये काम चालू है, बट एक दो दिन में इसका जो काम है पूरा हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम पूरा एक वीडियो बनाने वाले हैं कि ये कैसी दिखती है। सो नासिक के अंदर ये फर्स्ट M4 है और फर्स्ट M4 यहाँ पे रैप होने वाली है रेड टू ग्रे कलर में। सो अगर आपको कुछ इस तरह का रैप करना हो, अगर आपके गाड़ी के ऊपर आपको कुछ इस तरह का रैप करना हो, आपके गाड़ी के अंदर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशंस करने हो, तो आप नासिक के हीरामोती कार कस्टम में आ सकते हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट एंड बेस्ट सर्विस मिलने वाली है। इनका जो ये स्टोर है ये एक्सप्रेस इन होटल के आगे है, 5:30 फाटा पे, कार मॉल नासिक के अंदर। यहाँ पे आपको ये बैक